फ्रेंड्स, आज हम आपको एक पंजीरी बनाना बताते हैं जन्माष्टमी के लिए। जो हम पंजीरी बनाएंगे, ये हमने गोला ले लिया है, गोले को हमने कसकर भून लिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने कुछ गोंद ले लिया है, ये हमने मावा लिया है, और ये हमारी खरबूजे की गिरी हैं। ये हमने कुछ बादाम ले लिए हैं, और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो उस ड्राई फ्रूट्स को आप बना सकते हैं। एक कढ़ाई लेकर इसमें देसी घी हमने गरम कर लिया है। अब इसमें ये गोंद अपना भूनते हैं। गोंद को तेज आंच पे ही भूनेंगे, हल्की आंच में गोंद कैड़ा हो जाता है, इसे तेज आंच में ही भूनना चाहिए। चला चला कर इसको भून लेते हैं। ये हमारा अच्छे से फूल जाना चाहिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो घर में, आप इसमें सब डाल सकते हैं। जन्माष्टमी के त्यौहार आ रहा है, जन्माष्टमी के त्यौहार पे गोंद जरूर बनाते हैं। गोंद की पंजीरी जरूर बनानी चाहिए। ये हमारा गोंद भुनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना फूल गया है। इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। ये नारियल मिक्सी में पीस लिया है, ये इस तरह से हो गया बिल्कुल बारीक। मुँह में जरा भी नहीं आता है, और ये बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से हमने गोंद भी सारा भून लिया है। अब हम कढ़ाई गरम करके ये खरबूजे की गिरी, इसको भी थोड़ी थोड़ी करके भून लेते हैं। ये चटकती बहुत है, इसलिए इसको हम भूनेंगे। खरबूजे की गिरी भून गई है, और ये बादाम भी हमने थोड़े से भून के रख लिए हैं। हमारा सब सामान तैयार हो गया। सब सामान हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। अब हम अपनी चीनी की चाशनी बनाते हैं। ये 200 ग्राम का हमारा कप है, इसमें हमने 2 कप भर के चीनी डाल देंगे। 2 कप चीनी डालनी है। 2 कप चीनी के साथ में हमने 1 कप पानी डाल दिया। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मावा घुल चुका है चाशनी में। ये गोला जो हमने रखा था किसके, ये डाल देते हैं। धीरे धीरे करके सभी सामान इसमें हम डाल देंगे। गोंद डाल दिया है, और ये खरबूजे की गिरी और बादाम, सभी चीज हम इसमें डाल देंगे। अगर हमारी चाशनी थोड़ी ढीली लगे आपको, तो आप थोड़ी देर गैस चला के इसको टाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो गई है जमाने के लिए। एक थाली लेकर खड़े किनारों की, इसमें हमने ये लगाकर इसको ड्रेसिंग कर दिया। पंजीरी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कलछी की सहायता से
आप इसे जितना चाहें मोटा कर सकती हैं। और इसे रूम टेम्परेचर पर जमने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद हमारी ये पंजीरी बिल्कुल जमकर कटने के लिए तैयार हो जाएगी। पंजीरी बिल्कुल सही हो गई है, ये काटने के लिए तैयार है। इसे हम चाकू की सहायता से मनचाही शेप में काट लेते हैं। ये हमने थोड़ी ढीली काटी है, इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद में जब इसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं हमारी पंजीरी बिल्कुल तैयार हो गई है। बाल के प्लेट में रख देते हैं। इस तरह से हम अपनी सब पंजीरियां निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये पंजीरी खाने में बहुत टेस्टी है, बिल्कुल सॉफ्ट पंजीरी बनी है। आप इसे बनाएं, खाएं और भगवान का भोग लगाएं। भगवान का जन्माष्टमी है, भगवान का भोग जरूर लगाएं। ये गोंद की पंजीरी है। फ्रेंड्स, आप इसे लाइक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। थैंक यू।